समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा, फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना। सन 1873 दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की। पुस्तक की सामग्री ने सनातनी ब्राह्मणों में बेहद रोष पैदा किया। ज्योतिराव, तुमने इतना बड़ा निवाला मुंह में रखा है कि न तुम चबा सकते हो न निकल सकते हो। वो मैं देख लूंगा। इस बार क्या तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री? ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जरूरत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलामी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई। अब ये क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है हेरम शास्त्री कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करें, लेकिन शूद्रों और अतिशूद्रों को इस भ्रम से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कहलाने वाले ग्रंथ ही उन्हें गुलामी में जकड़ते हैं। ज्योतिराव, तुम लोगों को ब्राह्मणों से नफरत करना सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को मैं अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ब्राह्मणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हेरम शास्त्री, आप जितने जल्दी समझेंगे कि शूद्र जन ही इस देश की जीवन शक्ति है उतना ही अच्छा। अब तुम्ही से सलाह लेना बाकी बचा था। देखो ज्योतिराव, हम बता देते हैं, ऐसी उलझलुल और गाली गलौज वाली किताबों से तुम समाज की सेवा नहीं कर सकते, समझे? ना भी कर सकते हैं शास्त्री जी, ये कहकर कि वेद और पुराण देवताओं के मुख से कड़े है, न ये फतवा देकर कि फुले ने उलझलूल और गाली गलौज वाली किताब छपाई है, न ये कहकर कि बकौल विष्णु शास्त्री चिपलून करके फुले पहले मराठी का व्याकरण सीखे और बाद में लिखने की सोचे। आप विद्वान कहलाने वालों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने मेरे उठाए सवालों का जवाब दिया हो। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये दो कौड़ी का बड़प्पन जता रहे हैं। पूना शहर विद्वानों की नगरी कहलाती थी, आप जैसे के रहते वो शान भी जाती रही। हेरम शास्त्री, आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो। समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा, फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना, कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। गुलामगिरी पुस्तक की सफलता से उत्साहित होकर ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव डाली। मित्रों, आप सब लोग जानते ही है कि राजा राममोहन राय के ब्राह्मो समाज और अपने यहाँ के प्रार्थना समाज, इन दोनों संस्थाओं को बहुत विद्वान लोगों ने जन्म दिया है। उनका ध्यान उच्च जाति के सुधार पर लगा हुआ है। वह 101 बात उन्हीं सुधारवादी जमा हो गए हैं। वर्ण व्यवस्था का असली रूप समझने में, उसे खत्म करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें आसमान पर चढ़ा हुआ मानते हैं। तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी वाला मामला दिखाई पड़ता है, जैसे कि परस्पर प्रशंसा क्लब हो। तात्या साहब, जरा मुद्दा स्पष्ट करें। हाँ जरूर जरूर। अब श्रीयुत महादेव गोविंद रानड़े को जानते होंगे, एक प्रसिद्ध सुधारवादी है। मेरी उनसे एक बार बातचीत हुई। राव साहब, मैं आपके दूसरे विवाह के सिलसिले में अभिनंदन करने आने वाला था, लेकिन मन नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के सुधारवादियों के नेता है, अगर उद्दंडता माने तो क्षमा करें, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब आपकी उम्र का पुरुष 11 साल के कन्या के साथ विवाह करता है तो सुधार का काम आगे कैसे बढ़ता है? लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको मानते हैं, इसलिए किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। मैं ठहरा कुनबी किसान, मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए कह रहा हूं। तात्या साहब, आप शायद नहीं जानते, मेरे पिता ने आग्रह किया इसलिए मुझे विवाह करना पड़ा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी पत्नी मुझसे काफी छोटी है। राव साहब, आपका ये विवाह ना आपकी हैसियत से मेल खाता है ना आपके सामाजिक विचारों से। जब आप ही जैसे सुधारक जो कहते हैं वही नहीं करते, तब आंदोलन 10 साल पिछड़ जाता है।
मेरे विचारों में यह उचित नहीं है। मैंने ये आपको 2 साल पहले की घटना सुनाई, इससे मिलती जुलती घटना अभी हाल ही की है। एक श्रीयुत विष्णु शास्त्री पंडित को छोड़ दे तो इन ऊंची जात वाले सुधारवादियों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी कहनी और करनी एक समान हो। यही राव साहेब रानड़े की बहन जब विधवा हुई तब जानते हैं उन्होंने क्या किया? तात्या साहब, मैं आपके तर्क समझता हूं, मगर सच्चाई तो यह है कि हर आदमी इस विवाह के विरुद्ध है। आप तो जानते ही हैं कि पुणे शहर में लोग मुझे धर्मद्रोही कहते हैं। अपनी बहन का केश वपन मैंने होने नहीं दिया, इस पर ब्राह्मण मंडली भी मुझ पर खार खाए बैठी है। इस हालत में अगर मैं उसका पुनर्विवाह करा दूं तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण मंडली छत्ते से छूटी मधुमक्खियों की तरह मुझे डसना शुरू कर देगी। और इससे आप खौफ खा गए और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है? राव साहब, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जीवन का सर्वोत्तम समय घर की अंधेरी कोठरी में स्तोत्र भजन का अनंत पारायण करते हुए गवा दे। बेहद अकेलेपन से झूसते झूसते एक दिन खत्म हो जाए। राव साहब, अगर आप यही करने पर आमादा है तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। आपकी सिर्फ जीप चलती है, पाव नहीं। आप लोग राव साहब और राव बहादुर की उपाधियां पाने के लोभी हैं। समाज के नेता कहलाकर हार पहनने की लालसा रखते हैं आप। झूठ मूठ के नए सुधरे हुए आधुनिक विचार के कहलाना चाहते हैं आप। राव साहब, क्या आपकी आत्मा को ब्राह्मणी कट्टरता और कर्मकांड चाटकर साफ कर चुके हैं? अरे आपसे तो हम कुनबी किसान भले, हमारी कोई औकात नहीं, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वही आचरण में उतारते हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत निराशा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस सड़ी गली सामाजिक मान्यताओं के सामने घुटने टेक देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऊंची जात वालों का सुधार आंदोलन में शामिल होना किसी क्लब की गप्पा गोष्ठी में शामिल होने के बराबर है। लोग उनके तारीफ के पुल बांधेंगे, उन पर किताबें लिखेंगे, लेकिन समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे ले जाने का काम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही करना पड़ेगा, और इसी लक्ष्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की जा रही है। मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। हमें पंडो पुरोहितों की गरज नहीं है, वो जन्म विवाह मरण आदि के नाम पर हमें ठगते हैं। उन्हें हमेशा के लिए हटा दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहासकार कहेंगे कि सत्य शोधक समाज भारत की पहली संस्था थी जिन्होंने सही अर्थ में सुधार किए। मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्य शोधक समाज के सदस्य बने। आप मुझे कार्यकर्ता दीजिए जो गांव देहातों में जाकर वर्ण व्यवस्था के प्रति संघर्ष करें। अगर वो गा सकते हैं तो और भी अच्छा है, वो डब पर गाना गाए और हमारा संदेश पहुंचाएं। हाँ, अच्छा हुआ डॉक्टर भूले जो अब फौरन चले आए। मुझे पता चला है कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर बहुत बीमार है। मैं चाहता हूं कि आप उनकी जांच करें। तात्या साहब, विष्णुपंत सनातनियों के नेता है, आप पर कीचड़ उछाला करते हैं। अपने आप को मराठी भाषा के शिवाजी महाराज कहते हैं, आपकी बदनामी का मौका ढूंढते रहते हैं। उन्हें देखने मैं जाऊं? पूना में बहुत से ब्राह्मण डॉक्टर हैं, आप मुझे इसमें क्यों घसीटते हैं? पूना में डॉक्टर जरूर है डॉक्टर घोले, लेकिन आपकी बराबरी का एक भी नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि विष्णु शास्त्री नेक आदमी है, उनकी देशभक्ति की सराहना करनी होगी। वे जीप चलाने वाले सुधारवादियों में से नहीं है, उनके विचार और आचार में फर्क नहीं रहा है। ऐसे सनातनियों का विरोध तो करना ही होगा, लेकिन उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, जाति तौर पर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए।
अब जाकर उन्हें देख आइए। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, आइए। विष्णु शास्त्री के पेट में आग मची हुई है, वैद्य ने दवा दी मगर कोई असर नहीं हुआ, दर्द में तड़प रहे हैं, चीख चीख पड़ते हैं, आइए। शास्त्री जी, शास्त्री जी, डॉक्टर साहब आए हैं। यही कुनबी डॉक्टर मिला पूरे पूना शहर में? अरे मरना तो मुझे है ही, कम से कम शूद्र की छुई दवा खाकर तो ना मरने दो। तुम्हारी दी हुई दवा खाने से मैं जहर खाना ज्यादा पसंद करता हूं। तुम लोग ब्राह्मणों और आर्य धर्म से नफरत करते हो, करते हो ना? अरे तुमसे तो पादरी भला, तुम्हारी खोपड़ियों में ईसाईपन घुस गया है। जाओ जाओ डॉक्टर, निकलो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, जाओ। ब्राह्मण द्रोही डॉक्टर से मुझे इलाज नहीं कराना, जाओ। माफ कीजिए डॉक्टर घोले, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि विष्णु शास्त्री आपका अपमान कर सकते हैं। खैर अब तो वो गुजर गए। सब्सक्राइब करें समता भारत टीवी को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल वाले बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।